الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह पांच अरकान में से बाकी तीन अरकान को देखेंगे. तो इधर थोड़ा सा हम इसमें तब्दीली करने लगे कि ज़कात और रोज़े को अपनी आसानी के लिए इनकी जगह तब्दील करने लगे. अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि इबादात या तो बदनी हैं जो बदन से की जाती हैं, या इबादात माली हैं जो माल के ज़रिए पैसों के ज़रिए की जाती हैं. लेकिन हज जो है ये बदनी इबादत भी है. तो बदनी इबादात में नमाज, रोज़ा और माली इबादात में ज़कात और हज शामिल हैं. हज जो है वो बदनी इबादत में भी शामिल है. और दूसरी चीज़ के तमाम इबादात, इन तमाम इबादात का मकसद तक्वा है. नमाज का मकसद तक्वा, रोज़े का मकसद तक्वा, ज़कात का मकसद तक्वा इख्तियार करना, हज का मकसद तक्वा इख्तियार करना. और यहाँ अब हम पहले रोज़ा और हज को पढ़ेंगे और ज़कात को हम इंशाल्लाह आखिर में देखेंगे. तो रोज़े के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून. ऐ ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए. यानी ये चीज़ें पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ की गई और तुम पर ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो. तो इसका सबसे पहला मकसद तक्वा इख्तियार करना है. तक्वा कहते हैं अपने आप को बचाना, हर बुरी चीज़ से बचाना. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काब अल अहबार से पूछा कि तक्वा किसे कहते हैं. तो आपने कहा, आपने पूछा कि क्या आप कभी कांटों वाली जगह से गुज़रे हैं? उन्होंने कहा हाँ. तो काब अल अहबार ने पूछा कि आप किस तरह गुज़रे हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कपड़ों को समेट कर, कि कहीं कपड़े के साथ कांटा न लग जाए और वो फट ना जाए. तो काब अल अहबार ने कहा यही तकवा है कि अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखना. तो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का मकसद तकवा इख्तियार करना है और रोज़े का मकसद ज़ब्त नफ्स है, यानी अपने नफ्स पर काबू पाना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना. नफ्स यानी अपना सेल्फ, अपने आप को. वो किस तरह के रोज़े में हलाल चीज़ों को भी वक्ती तौर पर हराम कर दिया जाता है ताकि ये चीज़ें जो हलाल हैं और जो इंसान के लिए एक ज़रूरी हैं उनको जब हराम कर दिया जाए. इंसान को प्यास लग रही है लेकिन वो पानी नहीं पीता क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि मैंने इस वक्त में अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे पानी को हाथ नहीं लगाना. तो रोज़े का लुगवी माना, सौम या रोज़े का लुगवी माना रुके रहना, चुप करना या रुक जाना. सौम का लुगवी माना है रुक जाना या चुप करना. अगर कोई शख्स चुप कर जाए तो सुमतु, मैं चुप कर गया. तो रोज़े का असल मतलब रुक जाना है लेकिन इस्तिलाही माना सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक
खाने पीने और जिंसी ताल्लुकात से परहेज़ करना या रुके रहना ये रोज़ा कहलाता है। रोज़े के मुताल्लिक हम पढ़ चुके कि इससे तक्वा हासिल होता है, इससे ज़ब्ते नफ्स पैदा होता है और इससे गुनाहों पर भी काबू पाया जाता है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदअ कौल ज़ूर, के जो झूठी बात न छोड़े, वल अमल बिह, और उस पर अमल करना न छोड़े, फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबा, तो अल्लाह ताला को उससे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि वो खाना और पीना छोड़ दे। अगर वो झूठी बात और उस पर अमल को, गलत कामों को नहीं छोड़ता तो उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह बेरूह नमाजें थी, इसी तरह बेरू रोज़े हैं। अब इधर बुक में लाजमी में थोड़ा सा मसला ये है कि इधर डेफिनेशंस बाकायदा इस तरीके से नहीं बनाई गई, जिस तरह रोज़े का लुगवी माना और इस्तिलाही माना ये इधर नहीं लिखा हुआ। इसके बाद रोज़ों के सवाब के मुताल्लिक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का हर अमल अल्लाह ताला 10 गुना से 700 गुना देते हैं, लेकिन रोज़ा जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे साथ ख़ास है, मैं अपनी मर्ज़ी से जितना सवाब देना चाहूँ इसका सवाब दूंगा, यानी 700 गुना से भी ज़्यादा सवाब दूंगा। रोज़े के इज्तिमाई फ़वाद में से पहला ये है कि जब इंसान एक माह तक भूखा और प्यासा रहता है तो उसे भूख और प्यास का एहसास होता है और नादारों से हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो कम से कम ग़ज़ा पर इक्तफा करता है, इंसान कम से कम खाने पर इक्तना करता है, ग़ज़ा को, ताम को, खाने को ही अपना ज़िंदगी का मकसद नहीं बना लेता। उसके बाद एक ही वक्त में पूरी की पूरी उम्मत, वो चाहे अमेरिका हो या बरतानिया हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, वो हिंदुस्तान हो, सऊदी अरब हो, जहाँ भी हो, तमाम की तमाम उम्मत एक इबादत में, एक वक्त में शामिल होती है। रमज़ान का कुरान करीम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है और वो ये कि इस माह में कुरान नाजिल हुआ। इस वजह से जिस माह में कुरान नाजिल हुआ वो बाकी महीनों से अफजल है, और इसमें इसी वजह से एक रात है जो लैलतुल कद्र है कि जिस रात में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ वो रात बाकी रातों से 1000 महीनों से बेहतर है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के रमज़ान का महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, तो रमज़ान कुरान की यादगार है और रमज़ान का और कुरान का पाकिस्तान के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। वो ये कि पाकिस्तान 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का दस्तूर, पाकिस्तान का कानून कुरान और सुन्नत के ऊपर है। इसके बाद चौथा रुकन हज बैतुल्ला है। ज़कात को हम इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, के अल्लाह ताला के लिए लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है उसके घर का हज करना, उन लोगों के लिए कि जो उसकी तरफ इस्तताअत रखते हों, यानी जो इतनी ताकत रखते हों कि वो अल्लाह ताला के घर यानी काबतुल्ला जाकर हज कर सकें, तो उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला के घर का हज करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह, क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, एक दफ़ा ज़िंदगी में हज करना फ़र्ज़ है, और वो भी उसके लिए कि जो काबतुल्ला जाने की इस्तात रखता हो, यानी ताकत रखता हो सफ़र करने की। और आयत का अगला हिस्सा है,
वमन कफर फ़इन अल्लाह गनी अनिल आलमीन, और जो कुफ्र करे तो अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेपरवाह है, गनी है। अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक शख्स भी उसकी इबादत न करे। मन हज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा क यौम वलदत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज करे इस हाल में कि ना वो रफ्स करे, यानी अपनी बीवी से ना ताल्लुक कायम करे और ना वो फिस्क करे, तो वो इस तरह है कि गोया उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया। और इधर तर्जुमे में थोड़ा सा ये चीज़ नोट कर लें कि रफ्स जो है बीवी से ताल्लुक़ कायम करना, वो अगर आप इस तरह ना लिखें, सिर्फ रफ्स भी लिख दें, तो ये इधर बुक के अंदर ऐड कर लें, इधर मिसिंग है तर्जुमे में ये चीज़। यहाँ जो बुक के ऊपर तर्जुमा लिखा हुआ है वो है, जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करता है और दौरान हज फिस्क व फजूर से बाज रहता है, बस इतना लिखा हुआ है, वो रफ्स का जिक्र ही नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत पर इतना ज़ोर दिया कि फरमाया मन लम यमनहु हाजतुन ज़ाहिरतुन, कि कोई ऐसा बंदा कि जिससे कोई ज़ाहरी हाजत, कोई एक काम, कोई चीज़ रोकने वाली ना हो, औ सुल्तानुन जायरुन, या ज़ालिम बादशाह रोकने वाला ना हो, औ मरदुन हाबिसुन, या कोई ऐसी बीमारी कि जो उसकी राह में उसे हबस यानी कैद कर लेने वाली हो। फलम यहुज फल यमुत इंशा यहूदियन व इंशा नसरानियन, और अगर वो इस तरह इस हाल में भी हज न करे तो चाहे तो वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, यानी वो शहादतैन में से रिसालत मुहम्मदिया अला साहिबी सलातो वस्सलाम का इनकार करते हुए यानी काफिर मरे। तो हज जो है वो बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है। इसके फ़वाद क्या हैं? तो इसका फ़ायदा वही एक फ़ायदा कि जो नमाज में भी है कि तमाम रंग नस्ल के लोग इकट्ठे होते हैं, एक उहुवत पैदा होती है, रंग और नस्ल के बुत मिट जाते हैं। उसके बाद वो जो रोज़े में फ़ायदा कि तमाम के तमाम इंसान एक वक्त में एक इबादत में मशगूल होते हैं, हज भी एक वक्त में तमाम दुनिया के मुसलमान एक जगह पर इकट्ठे होकर एक ही इबादत में मशगूल होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बस इन्हीं दो अरकान को पढ़ेंगे। आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी पेश आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर राबता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।